नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। आज सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो कमोडिटी बाजार में हमेशा की तरह यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1,777 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसे नज़र डालें चांदी की तरफ तो चांदी आधे फीसदी की तेज़ी के साथ $22.7 प्रति ट्रॉय ऑंस पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो कुछ सुधरती हुई नज़र आई है, एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। दरअसल फेड की बैठक का निर्णय की वजह से भी सोने चांदी में थोड़ा वो निवेश देखने को मिल रहा है और दूसरा एक सेफ हेवन डिमांड भी थोड़ी बहुत निकल के सामने आई है। सेंटीमेंट्स कुछ सेफ हेवन डिमांड वाले बनते हुए नज़र आ रहे हैं अभी सोने चांदी के अंदर, जिसकी वजह से सोने चांदी कीमतों को एक हल्का फुल्का सा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है। यहाँ से बात करें अगर कॉपर की तो कॉपर यहाँ से बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $71 पर 1% की तेज़ी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 1% की तेज़ी के साथ $75 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज भी जो कच्चा तेल का बाज़ार है वो ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल बीते सत्र में हमने देखा था कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर भी तेज़ी दर्ज की गई थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो तूफान आया था उसकी वजह से जो आउटपुट था, जो इन्वेंट्रीज थी क्रूड ऑयल की, वो थोड़ी प्रभावित होती हुई नज़र आई थी। हालांकि जो सर्विसेज हैं वो रिज्यूम हो गई हैं, लेकिन एकदम से उतना आउटपुट पहले वाला देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कच्चे तेल कीमतों में अभी हाल फिलहाल में तेज़ी देखने को मिल रही है। रिसेंट नज़र डालें अगर बेस मेटल्स की तरफ तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि MCX जिंक 1% की तेज़ी के साथ 258 पर, निकल 1.25% की तेज़ी के साथ 1456 पर, लेड 187 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें कॉपर की तो कॉपर 2.5% की तेज़ी के साथ $4.2 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का जो बाज़ार है वो एक अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि बेस मेटल्स के बाज़ार के अंदर एक नॉर्मल सा कारोबार देखने को मिला था, आज देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे नाम सी पर। शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज सोने चांदी कीमतों में एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, हालांकि अभी भी लो लेवल है, लेकिन कल के मुकाबले कुछ हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से आज तेजी बनी है तो सोने चांदी में एक निचले स्तर से खरीदारी और भी देखने को मिलेगी या फिर कीमतें यहाँ से एक बार फिर से नीचे जाती हुई नजर आएंगी? देखिए, आज अखिलेश अहम दिन है, आज FOMC की बैठक है और उसके ऊपर काफी कुछ क्लैरिटी आने वाली है और उसके बाद ही सोने की चाल जो है वो तय होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई FOMC की बैठक से पहले उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिला है, जिसकी वजह से सोना ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया था और अभी भी फिलहाल बाजारों में ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव जो है वो आज के इंट्राडे में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मेरे हिसाब से एक बार सोने और चांदी में फ्रेश एंट्री लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बाजारों की अभी सीमा जो है किस डायरेक्शन में जाएंगे ये अभी आज शाम के मीटिंग के बाद तय हो जाएगा। लेकिन सोने के अंदर हर निचले स्तर पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाइंग में रहना चाहिए, किसी को लंबा होरिजन लेकर चलना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे स्ट्रेटेजी वेट एंड वॉच की रखनी चाहिए। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार इंटरडे में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना अभी फ्रेश एंट्री लेने से यानी कि नया निवेश करने से भी सोने चांदी में बचना चाहिए, लंबी अवधि के लिए करके चल सकते हैं, वहीं शॉर्ट टर्म के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, अभी थोड़ा रुक जाएं, पहले देख लें बैठक का क्या निर्णय निकल के सामने आता है, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड करें। इसे रूपा जी बात करें क्रूड की तो क्रूड में भी देख रहे हैं कि आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है क्या क्रूड में यहाँ से तेजी का दौर जारी हो गया या फिर ये छोटी अवधि के लिए है? देखिए, क्रूड में अभी थोड़ा सा सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से जो एक बार डिमांड फिर से पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते क्रूड में तेजी बनी है और अभी फिलहाल बाजार जो है थोड़ा अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड अभी $72 इंटरनेशनल मार्केट में छू सकता है, तो $72 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए अभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग जो है वो एक बार बनाई जा सकती है, क्योंकि क्रूड के अंदर अभी सप्लाई डिस्टर्ब है, इस वजह से थोड़ा सा बाजार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तेजी अभी फिलहाल कॉन्टिन्यूशन में शॉर्ट टर्म में जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है।
जी रूपा जी, नजर डालें अगर बेस मेटल्स की बाजार की ओर, तो देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार भी अब कहीं ना कहीं कुछ सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो बेस मेटल्स में एकदम से रिकवरी देखने को मिली है, तो ये निचले स्तर से खरीदारी है या फिर यहाँ से तेजी का दौर शुरू हो गया? देखिए बेस मेटल में फिलहाल के लिए तेजी अभी थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके इंस्टॉलमेंट डिफॉल्टर होने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेस मेटल के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है और बेस मेटल ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं। फिलहाल के लिए बेस मेटल के अंदर तेजी जो है वो एक लिमिटेड हो सकती है, बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाजार अभी प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम कॉपर को देख रहे हैं 710 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 700 से 720। अगर कॉपर 700 की रेंज तोड़ देता है तो नीचे में 680 तक वापस से लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज निकल भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, आज इंट्राडे में तेजी है, वो इंट्राडे में 1460 से 1480 की रेंज पकड़ सकता है। ओवरऑल जब तक 1500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा बहुत दबाव जो है वो ऊपरी स्तरों पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंटरडे में मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाइंग किया जा सकता है, क्रूड तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 5320 तक ऊपर में एक बार टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, 5280 के बाद 5300 तक ऊपर जा सकता है, 5300 से 5320, तो कच्चे तेल में आज खरीदारी की जा सकती है। जी तो यानी कि आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल में खरीदारी करके चला जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप इंटरडे लेवल्स पर, उन लेवल्स के लिए कच्चे तेल के अंदर क्रूड के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स से ऊपर।